अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं अब्दुल बासित, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हकीम अब्दुल बासित। तो व्यूअर्स, आज की जो वीडियो है वो ऐसी हस्ती के बारे में बनाने जा रहा हूं कि मुझसे कोई कमी या कोताही हो जाए तो मैं उनसे माजरत करता हूं। सबसे पहले मैं उनसे मदद करता हूँ कि आज ये ऐसी हस्ती है, ये किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। यूट्यूबर प्लेटफॉर्म पर चमकता दमकता हुआ ये सितारा है। ये अपनी स्ट्रगल मेहनत से इतना काम इतना ऊंचा हो चुका है कि यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे अपना बहुत अच्छा यूट्यूब चैनल जो है चला रहा है। तो गाइज़, वो हस्ती क्या है आपको बता देते हैं, सत्यन ओलेक। तो आज मैं आपके साथ थोड़ी सी कुछ बातें सत्यन ओलेक की शेयर करूँगा कि सत्यन ओलेक जो है ये कैसा बंदा है और क्या जो ये बातें करता है, क्या ये सच करता है और क्या ये बातें जो करता है ये करके दिखाता भी है या नहीं। तो गाइज़, वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट्स करके मुझे बताइएगा आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी सत्यन ओलेक के बारे में जो मैंने बनाई है। तो गाइज़, चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो का जो टॉपिक्स आज मैंने बनाया है वो सत्यन ओलेक की ज़िंदगी के बारे में है कि सत्यन ओलेक जितने भी बातें करते हैं यूट्यूब के ऊपर क्या वो सच करते हैं और जितने भी वो चैलेंज वगैरह जितने प्रॉमिस वगैरह करते हैं क्या वो निभाते भी हैं या नहीं निभाते हैं। तो क्या सत्यन ओलेक ऐसी हस्ती है, ये जानी पहचानी सी हस्ती है, किसी को ये ऐसी हस्ती है कि तारुफ की मोहताज नहीं है। कौन नहीं जानता होगा यूट्यूब की दुनिया में सत्यन ओलेक को। सत्यन ओलेक वो वहद बंदा है जिसको पूरी यूट्यूब में पाकिस्तान में जाना पहचाना जाता है। तो गए सत्यन ओलेक को पिंकी के नाम से भी बहुत ज़्यादा जाना पहचाना जाता है क्योंकि अल्लाह ने इन्हें ऐसी करामात दी हैं कि ये लड़की वाली आवाज़ जो है निकाल लेता है, प्योर लड़की वाली आवाज़, जिससे ये अपने महल्ले और पाकिस्तान के माहौल को पुरखुशगवार खुशगवार मूड में आप लोगों के लिए ये वीडियोस बनाता है, प्रैंक बनाता है, प्रैंक शूट करता है। तो गाइस, कितनी मुश्किल है ये। तो सत्यन भाई, अगर आप ये वीडियो मेरी देखें तो सबसे पहले आपको अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, आपको मेरा सलाम। तो ज़्यादा तो कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन सत्यन भाई ने जो जो भी बातें की हैं अभी से, उन्होंने जो बातें की हैं वो हमको बताऊंगा कि कितनी वो सच हैं कितनी रियल हैं। तो व्यूअर, मैं आपको बताने जा रहा था कि सत्यन भाई ने आजकल जो चैलेंज किए हुए हैं, प्रॉमिस किए हुए हैं कि आप मेरे साथ जुड़ जाएं तो आपसे आपको जो है 10,000 से 30,000 मंथली अगर आप नहीं कमा पाएंगे तब तक मैं आपका जो है साथ नहीं छोड़ूंगा, ये क्या रियल है या फेक है, इसके बारे में आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ, करने जा रहा हूँ कि सत्यन भाई क्या ये जो कहते हैं कि रियल हैं या फेक हैं। तो गैर, मैंने सत्यन भाई की जो है, मैं बहुत उनको पसंद करता हूँ, तो बस क्या कहूँ कि बस मेरे लिए वो बहुत अच्छे जो है यूट्यूबर हैं। मैं उनकी हर वीडियोस देखता हूँ, उनके कमेंट्स भी पढ़ता हूँ। लोगों ने ऐसे ऐसे कमेंट्स किए होते हैं कि यार कितनी VIP वीडियो बनाते हैं फिर भी गलत कमेंट्स किए जाते हैं कि तुम चवले मार रहे हो, तुम ऐसा कर रहे हो, दुनिया को बेवकूफ़ बना रहे हो, लोगों को बेवकूफ़ बना, अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए आप जो है लोगों को बेवकूफ़ बनाते जा रहे हो, अपने सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए आप लोगों को जो है पागल बना रहे हो, आप ये कर रहे हो फलान का, आप करते कुछ नहीं हो। तो गाइस, ये सब झूठ है। सत्यन भाई वो वहद बंदा है जो आपके लिए कुछ करना चाहता है और आपके लिए ही वो स्ट्रगल कर रहा है। तो गाइस, ऐसा बंदा, ऐसा यूट्यूबर आप मुझे बताएं जो आपके लिए इतना कह, इतना भी कह दे, अल्लाह की कसम उठा दे, जस्ट सत्यन भाई ने कितना कुछ कहा है कि अगर मैं आपको रिप्लाई 7 दिन के अंदर ना दूं तो कल क़यामत के दिन मेरा गिरेबान पकड़ना सबसे बड़ी बात है, ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि ये दुनिया आर्जी है, चंद मिनट की ये दुनिया है, ये मेहमान है, मुसाफिर खाना है, यह हम एक दिन आए दूसरे दिन चले जाएँगे, यह हम सफ़र कर रहे हैं गाइस, ये सफ़र थोड़ा सा सफ़र है, थोड़ा सा सामान बांध के आए हैं। क्या सत्यन भाई को पता नहीं है, क्या सत्यन भाई पागल हैं कि यार मैं इतनी बड़ी बात कर रहा हूँ कल क़यामत के अल्लाह के सामने, हाय जब वो मंज़र आएगा तब तो अंबिया भी तड़प रहे होंगे गाइस। तो सत्यन भाई ने इतनी बड़ी बात कर दी है कि अल्लाह के सामने आके
आप मुझसे मेरा गिरेबान पकड़ना कि आपने 7 दिन का वादा किया था। समझने वाले समझ जाते हैं गाइस, ये कितनी बड़ी बात है, ये हर आदमी नहीं कर सकता। जिसके दिल में जज्बा हो, जिसमें दिल में आपकी माँ आपके लिए मोहब्बत हो, ये वो आदमी ये बात करता है। कितनी बार उसने कहा है कि आपका साथ ना दूँ, या मैं आपके साथ खलूस ना रखूँ, या आपके साथ आपको जवाब ना दो 7 दिन के अंदर अंदर। तो गाइस, ये कोई पैसों के लिए कर रहा है सत्यान भाई? नहीं नहीं ये आपसे कोई फीस लेगा? नहीं नहीं किस लिए कर रहा है? वो चाहता है कि पाकिस्तान का हर बंदा, हर मेरा भाई, हर मेरी बहन, हर मेरी माँ, हर मेरा बुज़ुर्ग, जितने भी हैं सब जो है अपने कमाई करने वाले बन जाएं, हलाल कमाई करने वाले बन जाएं, किसी के आगे हाथ ना फैलाएं। तो यार सत्यान भाई कितना कुछ कर रहे हैं। सत्यान भाई मेरी तरफ आपको सलूट है, यकीन माने कि जब मैं आपकी बातें सुनता हूँ ना, ओए दिल में ऐसा जज्बा पैदा हो जाता है, आपको मिलने का बहुत मन करता है। लेकिन क्या है, आपसे रब्ता नहीं हो सकता। मैंने भी कई बार सत्यान भाई को जो है ना व्हाट्सएप पे रब्ता करने की कोशिश की, सत्यान भाई जो है ना जवाब नहीं देते। क्यों, अकेले हैं यार, किन किन के मैसेज पढ़ें? सिर्फ मैं तो मैसेज नहीं कर रहा हूँ उनको। तो गाइस सत्यान भाई बहुत अच्छे हैं, इनकी उनको सपोर्ट किया करें, सत्यान भाई को सपोर्ट करें। क्यों, आज की जो मैंने उनकी वीडियो देखी है, ये वीडियो मैंने तब बनाई है, आज की उनकी मैं वीडियो देखी है, वो रात को 1 बजे टाइम दिखा रहे हैं वीडियो पे, 1:57 पर उन्होंने वीडियो जो है वीडियो शूट कर रहे हैं अभी। तो हमारे लिए कितना कुछ कर रहे हैं, क्या क्या वो आदमी कुछ नहीं कर रहा। तो आज की वीडियो में उसने बहुत बड़ी बड़ी बातें की हैं, आपको क्या क्या बताऊँ, ये वीडियो जो है गाइस बहुत लंबी होती जा रही है। बस मैं इतना कहूँगा कि सत्यान भाई जो भी बातें करते हैं सही करते हैं। मैंने अभी व्हाट्सअप किया हुआ है सत्यान भाई को, सत्यान भाई ने कहा था ना कि 7 दिन के अंदर अंदर जवाब दूंगा, तो मुझे यकीन है कि सत्यान भाई मुझे जवाब देंगे, और मैं सत्यान भाई से मिलना भी चाहता हूँ। लेकिन क्या करूँ, मजबूरियाँ हैं, अगर कंटेक्ट लगा तो सत्यान भाई से सबसे पहले यही बात करूँगा कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। तो यार ये ऐसा बंदा है कि आजकल के दौर में ये आपके लिए सोचता है, और जो आज इसने वीडियो में इतनी बड़ी बात की है कि गाइस आप अगर कुछ भी कमाओगे उसमें 30% अल्लाह के नाम पे दोगे। हाय सुभान, सदके जावा सत्यान भाई, आपकी मेरी उम्र भी आपको लग जाए। सत्यान भाई आपने बहुत बड़ा काम किया है, दुनिया तो दुनिया रहेगी, आप आखरत के लिए भी बड़ा सोच रहे हैं, इतना तो कोई नहीं कहता। फिर क्या कहे, आपसे पूछूंगा नहीं, आप अल्लाह को जवाब देंगे, ये सबसे बड़ी बात कर गए हैं सत्यान भाई, आप अल्लाह को जवाब दे होंगे, अल्लाह के साथ वादा करें। वादा ले लिया है सत्यान भाई ने, मैं भी वीडियो देख रहा था, मैंने भी वादा कर लिया है कि जितना कमाओगे 30% अल्लाह के नाम पे दोगे। तो सत्यान भाई आपको दोबारा से मैं सलाम पेश करता हूँ, आप बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म चला रहे हैं यूट्यूब पर, लोगों की बहुत बड़ी खिदमत कर रहे हैं। तो अल्लाह आपको शादबाद रखे, आपके घर वालों को खुश रखे, आपकी बेटियाँ, आपकी फैमिली को खुश रखे, आपकी फैमिली को लंबी उम्र अता फरमाए, आपको लंबी उम्र अता फरमाए, सेहत दे, सेहत कामल आजला अता फरमाए, दुनिया में भी आखिर में भी आपको जो अल्लाह अपने सामने। सत्यान भाई आप जुड़े रहिए, हम आपके साथ हैं इंशाल्लाह, हम आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। बाकी लोग जो आपको कमेंट्स लिखें, आप कभी ये छोड़ें ना, बस लोग तो काफ़ी हैं, अच्छे अच्छों को भी लोग आप सलाम को भी लोग पत्थर मारा करते थे, लोग क्या से क्या नहीं कहते, लोग तो अच्छी वीडियो पर भी बुरे कमेंट्स देते हैं, क्या उनकी वजह से वीडियो बनाना छोड़ देंगे, चैनल छोड़ देंगे? नहीं नहीं सत्यान भाई बड़े दिल वाले बंदे हैं, बहुत नाइस बंदे हैं। सत्यान भाई अल्लाह पाक आपको खुश रखे। तो गाइस बस इतना कुछ मैं कहना सत्यान भाई के बारे में, सत्यान भाई की लाइफ बहुत अच्छी लाइफ है, ये दुनिया आखिरत दोनों के लिए सोच रहे हैं। मिलने का कभी मौका मिलेगा तो यूट्यूब वीडियो बनाऊंगा उनके साथ इंशाल्लाह, आपके साथ शेयर करूंगा। उम्मीद करता हूँ कि 7 दिन के अंदर अंदर सत्यान भाई मुझसे ज़रूर रब्ता करेंगे, आज दूसरा दिन है, 7 दिन तक मैं सत्यान भाई का इंतज़ार करूँगा इंशाल्लाह। तो वीडियो को आप एंड करते हैं, वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। तो गाइस आप मेरे चैनल पर नए हैं,
तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आप मुझे सपोर्ट कीजिएगा। सत्यन भाई का अगर आप फेवरेट हैं, सत्यन भाई को पसंद करते हैं, तो उसकी खातिर मेरे चैनल को प्रमोट करिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।